Kadok News. जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के एमएलए की चुनौती, काले कृषि कानून को 26 जनवरी तक वापस नहीं लिया तो दे दूंगा इस्तीफा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला का। उन्होंने 27 जनवरी को इस्तीफा देने की धमकी दी है। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आखिर क्या है मामला? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। हरियाणा विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल से इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने यदि 26 जनवरी तक विवादित कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। हरियाणा के एलनाबाद से विधायक चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि किसानों पर काले कानून अलोकतांत्रिक तरीके से थोपे गए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को 26 जनवरी तक वापस नहीं लेती है तो उनके पत्र को सदन से विधायक के रूप में उनका इस्तीफा समझा जाए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूरे देश में किसान इस कानूनों का विरोध कर रहे हैं। चौटाला ने खत में लिखा कि कड़ाके की सर्दी की वजह से 60 से अधिक किसानों ने शहादत दी है, लेकिन केंद्र ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। INLD नेता ने कहा कि सरकार ने जो परिस्थितियां पैदा कर दी है उनमें सदन का जिम्मेवार सदस्य होने के नाते वह किसानों के अधिकारों को बचाने के लिए कोई भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा की BJP सरकार में उप मुख्यमंत्री है। दुष्यंत की JJP की मदद से ही हरियाणा में BJP की सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ था। दुष्यंत चौटाला ने भी पिछले माह कहा था कि यदि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को गारंटी देने से नाकाम रहे तो पद छोड़ देंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसान आंदोलनरत है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।